हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज ये एक इंटरव्यू सेशन है, लेकिन आज की इस वीडियो पे हमारे चैनल पर एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को मैं लेकर आया हूँ। मैं आप सबको बताना चाहूंगा उनका उम्र के बारे में, थोड़ा सा उनके एज के बारे में। उनका मात्र अभी 12 साल का वो एक बच्चा है, लेकिन एज में उम्र में कम है, लेकिन काम बहुत बड़ा करके बैठे हुए हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। 12 साल का बच्चा है और पता है क्या है, फेसबुक पे लगभग 1 मिलियन फॉलोअर्स उन्होंने बना लिया है सिर्फ 12 साल की उम्र में, और यूट्यूब पे 150 के से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, और इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर है। तो देख सकते हो 12 साल उम्र हो रहा है, उम्र छोटा है, कद छोटा है, लेकिन काम बड़ा है। तो इससे आप लोगों को सीखने को क्या मिलेगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि एक 12 साल का बच्चा होकर के कैसे तीनों सोशल मीडिया को इतना तेजी से वो ग्रो कर लिए, कैसे मतलब इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर हो गया, फेसबुक पे भी आज की डेट में वो पैसा कमा रहे हैं, इंस्टा से भी पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूब से भी कमा रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा अप्रोक्स बताऊं, वो जो है हर महीने 2.5 से 3 लाख रुपए अर्न कर रहा है सिर्फ सोशल मीडिया से, वो भी सिर्फ महज 12 साल की उम्र में। तो काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। मैं पूछूंगा कि वो किस तरीके का वीडियो अपलोड करता है, मैं आपको दिखाऊंगा भी, और एडिट कैसे करता है, ठीक है, कॉपीराइट का क्या सीन है, कितना डॉलर कहां से बनता है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है पूरे इंटरव्यू को एंड तक देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं, संदीप नाम है उस बच्चे का। तो हेलो संदीप भाई, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मनोज सर, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपने अपने चैनल पर इनवाइट किया, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद। तो चलो ठीक है, मुझे भी काफी अच्छा लगा कि आपने अपना टाइम निकाल करके हमारे चैनल पर आए, ठीक है। अब मैं आपसे संदीप भाई, मैं पूछना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो, लाइक आप कहां से हो और आपके पापा क्या करते हैं। तो मनोज सर, मैं यूपी में रहता हूं, और मेरे पापा की बात करें तो वो एक साइकिल पंचर की दुकान चलाते हैं। साइकिल पंचर का दुकान चलाते हैं? हाँ हाँ। अरे भाई, तो आपका तो फिर तो सेम हो गया ना सीन। मेरे भी पापा साइकिल पंचर का ही दोस्तों दुकान चलाते थे, फिलहाल अभी नहीं करते हैं क्योंकि मैं अच्छा खासा कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो उनका मैंने जो है शॉप वगैरह बंद कर दिया। बट भाई का भी जो पापा है, भाई के जो पापा है वो भी साइकिल पंचर का ही दुकान चलाते हैं। तो अभी भी पापा आपके साइकिल दुकान करते हैं या फिर बंद कर दिया? मेरे पापा अभी भी साइकिल की दुकान चलाते हैं। अच्छा, अभी भी करते हैं। तो और आप यूपी से हैं, आपके पापा साइकिल रिपेयरिंग करते हैं, आपका उम्र क्या हो रहा है संदीप भाई? वैसे तो मैंने बता दिया वीडियो पे, आप अपने मुंह से थोड़ा बता देना। मेरी उम्र है इस टाइम 12 साल। 12 साल। आप संदीप भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी स्टडी पे आपका क्या चल रहा है, पढ़ाई में क्या कर रहे हो आप? तो मनोज सर, मैं बताऊं तो मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं इस टाइम। पढ़ाई में क्या चल रहा है अभी, कौन से क्लास में? अभी मैं 9th क्लास में हूं। 9th में हो? तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, सिर्फ 9th क्लास में भाई अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और 9th क्लास में पढ़ाई करते के साथ। तो आप अब एक चीज ये बताओ कि आप पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हो या फिर पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि भाई सोशल मीडिया पे तो आपका अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, पैसा भी कमा रहे हो। तो मनोज सर, पढ़ाई की बात ऐसी है कि मैं पढ़ाई भी करता हूं और साथ साथ में मैं इंस्टा फेसबुक पर भी काम करता हूं। मतलब पढ़ाई पे भी ध्यान है। हाँ। तो आप दोस्तों सीधे मुद्दे पे आते हैं, संदीप जरा ये बताना आप कि सबसे पहले आपने कौन सा सोशल मीडिया स्टार्ट किया था, फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब? तो मनोज सर, मैंने बहुत पहले, यानी कि बहुत ज्यादा दिन हो गए थे, मैंने सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया, वो भी शॉर्ट का। और अब चैनल ओपन किया तो उसके बाद इसी वीडियो को मैं हर जगह अपलोड करने लगा, इंस्टा, फेसबुक, और जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन हुई, तो मैं उसके बाद धीरे धीरे हर जगह वीडियो अपलोड करने लगा। तो फिर ऐसे ही मैंने सारा अकाउंट बनाया और फिर वहां पर ऐसे वीडियो अपलोड करने लगा, तो फिर सारे अकाउंट बन गए मेरे। कितने दिन पहले आपने वैसे शुरू किया था सोशल मीडिया का जर्नी, कितना दिन हो गया? तो मनोज सर, मैं बताऊं तो अभी मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए, सिर्फ 2 साल हुए हैं। तो 2 सालों में आपका सबसे पहले कौन सा सोशल मीडिया ग्रो हुआ था, फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टा, या तीनों एक साथ ग्रो होने लगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैंने यूट्यूब चैनल पे पहले वर्क किया तो ज्यादा मुझे वहां पर ग्रोथ नहीं लगी, तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पर वर्क किया तो वहां पर इतनी ज्यादा ग्रोथ मिली, बहुत ही ज्यादा। और फेसबुक? फेसबुक का ऐसा है, अभी रिसेंट में 15 दिन हुए वहां पर, तब ग्रोथ मिली मुझे। तो अभी आपके इस टाइम पर आपका कौन कौन सा चीज मोनेटाइज है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, तीनों मोनेटाइज है, मतलब तीनों जगह, या फिर क्या क्या है सीन है? मनोज सर, मोनेटाइज की बात करें तो मेरा सिर्फ फेसबुक पेज मोनेटाइज है और यूट्यूब चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है क्योंकि मेरा शॉर्ट का है। और इंस्टा की बात करें तो वहां पर मोनेटाइज ही नहीं होता है कुछ भी, वहां पर आपको रील बोनस मिलता है, अभी वो मुझे मिला नहीं है। तो आप जैसे कि अभी सोशल मीडिया करते हो, आपका उम्र इतना कम है, आप अभी पढ़ाई भी कर रहे हो, 9th क्लास में हो, तो घर वाले सपोर्ट करते हैं ये सब चीजों में, या फिर आप अपना छिप छिप के जबरदस्ती मतलब करते हो? तो मनोज सर, ऐसा है कि मेरे घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, बट इतना सपोर्ट नहीं करते हैं कि तुम दिन भर इसी में लगे रहो। सही बात है।
तो अभी फेसबुक जैसे तुमने बताया कि मोनेटाइज है, ठीक है, अभी तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि आप कंटेंट, जैसे कि मैंने आपका देखा अभी रिसेंट के जो कुछ रील्स देखे आप फेसबुक पे, रील्स ज्यादा अपलोड करते हो, तो वो रील्स पे जो वॉयस आ रहा है उस वीडियो पे, वो वॉयस किसका है? AI जनरेटेड है या फिर किसी और का है, या फिर वीडियो ही पूरा किसी और का उठाकर डाला हुआ है? नहीं मनोज सर, ऐसा नहीं है, मैंने एक वॉयस को खरीद रखा है, वो वॉइस मतलब कि पैड वॉइस है, वो मेरी वॉइस नहीं है। मैं किसी किसी वीडियो में वॉइस अपनी डालता हूँ और वैसे मैं पैड वॉइस चलाता हूँ, रोबोटिक वॉइस। तो ये वॉइस मतलब पेड वाला वॉइस कहाँ से मिलता है, कौन सा कोई वेबसाइट है वगैरह? वेबसाइट पे आपको 1000 रुपए देना पड़ता है और 1 से 89 दिन के लिए आप यूज कर सकते हो। तो उसमें क्या मतलब क्या प्रोसेस है, जैसे टाइप करके आप लिख दोगे तो वो उधर से बोलने लगता है ना क्या? ऐसा है कि आपको जो मतलब वीडियो में बुलवाना है उसको आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा और सेम वही वॉइस को आप निकाल सकते हो। तो उसी वाला वॉइस को आप उठा करके मतलब वॉइस ओवर पे यहाँ वीडियो पे लगा देते हो। और ये वीडियो फुटेजेस कहाँ से मिलता है, कहाँ से उठाते हो? वीडियो और ये जो मैं डालता हूँ रील्स, ये आपको यूट्यूब और फेसबुक से ही मैं उठा लेता हूँ, बट ऐसा सीन है कि बड़ी वीडियो होती है उसको मैं रील में बना लेता हूँ। बड़ी वीडियो को शॉर्ट फॉर्म में मतलब कि 30-40 सेकंड का काट करके उसको छोटा कर देते हो, है ना? और उसको फिर वॉइस ओवर वहाँ से ऑडियो लेकर के अटैच करके एडिट करके अपलोड कर देते हो। तो ये एडिटिंग वगैरह कौन से एप्लीकेशन से करते हो? एडिटिंग क्या ऐसा है कि मेरे पास एक है BNF और एक काइनमास्टर, और मैं ज्यादातर काइनमास्टर को यूज करता हूँ। तो आप इतने कम उम्र में इतना कुछ कैसे सीख गए, मतलब एडिटिंग वगैरह सीख गए, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना सीख गए, फेसबुक पेज बनाना सीख गए, कहाँ से नॉलेज आया? तो मनोज सर ये ऐसा है कि बहुत पहले ना दीदी थी, वो सिलाई का काम करती है और वो यूट्यूब पर भी सिलाई की वीडियो अपलोड करती है, तो मैं ज्यादातर उनको नोटिस करता था कि ये क्या करती है और क्या नहीं करती है, तो मैं ज्यादातर उनको नोटिस करता था और मैं वहां से ही उनको सीखा और और BNF चलाना भी उनसे ही मैंने सीखा है। तो मतलब आपका इंटरेस्ट भी था एक तरह से, आप बोल सकते हैं ना, ध्यान से आप देखते थे मतलब कि कैसे कैसे क्या कर रही है। तो अभी जैसे कि आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज है, तो फेसबुक पे आपका अब डायरेक्ट मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं, लोगों को काफी ज्यादा जानने का मतलब कि एक ये होता है कि कितना पैसा कमा रहे हैं आप। तो फेसबुक से आज के डेट पे आपका मंथली इनकम कितना आ जाता है? मंथली का ऐसा है मनोज सर, मैं कम से कम मंथली में $1000 तो कमा ही लेता हूँ फेसबुक से सिर्फ। हाँ। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए काफी बड़ा मोटिवेशन है, सिर्फ 12 साल का बच्चा है और फेसबुक से सिर्फ वो महीने के $1000 एवरेज कमा रहे हैं, इससे ज्यादा भी हो जाता है, कम से कम 1000 है। $1000 का वैल्यू होता है दोस्तों आज के डेट पे 80,000 रुपया। तो महीने में सिर्फ फेसबुक से 80,000 रुपया वो कमा रहे हैं आज के डेट पर। तो ये आप लोगों के लिए सबसे बहुत बड़ा मोटिवेशन है, जब एक 12 साल का बच्चा कमा सकता है तो आप भी कमा सकते हैं। जस्ट इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या है, अपना नॉलेज लगाना पड़ता है, आइडिया लगाना पड़ता है। जैसे भाई क्या करते हैं कि लॉन्ग जो भी वीडियोज होते हैं उनको एडिटर से काट करके 30-40 सेकंड का पार्ट बना करके रील्स के फॉर्म में एडिट करके VN या काइनमास्टर एप्लीकेशन से वो जस्ट फेसबुक से अपलोड कर देते हैं। $1000 फेसबुक से इनका इनकम हो जाता है। अब संदीप भाई आप ये बताओ कि इंस्टाग्राम पे भी आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स है, इंस्टाग्राम पे आपका इनकम कैसे होता है? वहां तो मोनेटाइजेशन का कोई सीन नहीं है, तो पैसा कैसे कमा रहे हो आप? तो मनोज सर ऐसा है कि मेरे इंस्टाग्राम पर ना ही मेरा इंस्टाग्राम मोनेटाइज है, ना ही मुझे अभी रील बोनस मिला है, तो मैं ज्यादातर वहां पे स्पॉन्सरशिप करता हूं और मुझे एक स्पॉन्सरशिप मतलब कि एक डाउनलोडिंग का मुझे ₹25 मिलता है, ठीक है, और मैं डेली के 200 से 300 डाउनलोडिंग कर लेता हूँ, यानी कि मैं वहां से 6 से 7 हजार रुपए डेली के कमा लेता हूँ। तो ये है मतलब कि एक तरह से रेफरल बोनस है ना, रेफर करते हो, जो ज्वाइन करता है उसका ₹25 मिलता है ना। कौन सा एप्लीकेशन? रूटर एप्लीकेशन है। तो दोस्तों इंस्टाग्राम से संदीप जो है इंस्टाग्राम से कमा रहे हैं पर डे 6 से 7 हजार रुपया, अगर 7 हजार पर डे जोड़ा जाए तो महीने का 2 लाख रुपया हो जाता है। कैसे कमा रहे हैं ये? अपने इंस्टाग्राम पे रूटर एप्लीकेशन को प्रमोट करते हैं और रूटर एप्लीकेशन पे जब कोई इनके लिंक के थ्रू ज्वाइन करता है तो इनको ₹25 पर रेफर मिलता है और डेली के ये 200 से 300 ज्वाइनिंग दे देते हैं। अब इस हिसाब से पर 7000 रुपए इनकी इनकम हो जाता है, महीने में हो जा रहा है 2 लाख से भी ज्यादा, और फेसबुक से 80,000 रुपया मतलब कि 1 लाख रुपया आप मान लो। अब ये दोनों प्लेटफॉर्म मिला करके दोस्तों 2.5 से 3 लाख रुपया अभी हो चुका है। अब संदीप ये बताओ आप यूट्यूब से भी पैसे कमा रहे हो क्या आज की डेट पे? तो मनोज सर ऐसा है कि यूट्यूब पर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, बट ऐसा सीन है कि मैं वहां पर भी वीडियो के बीच में रूटर एप्लीकेशन का प्रमोशन कर देता हूँ और प्रमोशन वहां पर भी डेली के 20 से 30-50 डाउनलोडिंग वहां से भी ले आता हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में रूटर एप्लीकेशन का लिंक लगाकर। तो देख रहे हो दोस्तों कैसे मतलब कि ये अपना ट्रिक लगा करके एक आइडिया लगा करके तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसे कमा रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, तीनों जगह से पैसे कमा रहे हैं। तीनों जगह को आप मिला दोगे ना तो 3 लाख+ इनका पर मंथ इनकम हो जाता है। और उम्र जैसा कि आप लोगों ने सुन ही लिया सिर्फ 12 साल,
तो संदीप अब ये बताइए पेमेंट्स आता कहाँ पर है, क्योंकि 18 साल से कम उम्र है तो एडसेंस वगैरह तो आपके नाम से नहीं होगा, किनके अकाउंट पे आता है ये पैसा? तो मनोज सर ऐसा है कि मैं अभी 18 साल का नहीं हुआ, तो मेरा ना ही कोई अकाउंट बना है और ना ही कुछ ऐसा सीन, तो मैं ज्यादातर भैया के अकाउंट में रुपए डला देता हूँ और मम्मी पापा के अकाउंट में रुपए डला देता हूँ। तो आप अभी जो इतना पैसा कमा रहे हो तो आपने क्या क्या लिया अभी तक, कुछ कॉस्टली सामान कोई चीज? तो मनोज सर ऐसा है कि मैंने सबसे पहले ये जो जिस फोन से वीडियो बन रही है ये मैंने अपने ही कमाई से लिया, ये फोन मुझे कम से कम मिला जाकर 31,000 रुपए का फोन है। तो ये आपने अभी तक किया है, मतलब अभी इतना कम उम्र में आपके पास इतना पैसा आ रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं ना होगा कि मन भटक जाएगा, आप यूट्यूब मतलब ये पढ़ाई वगैरह छोड़ दोगे, ऐसा कुछ? मनोज सर ऐसा है कि मेरा तो मन भटकेगा ही नहीं, क्योंकि मैं इस टाइम सब कुछ ही कर रहा हूँ। जब मुझे लग रहा है कि मैं जब सब कुछ कर रहा हूँ और मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और ये सारा काम भी कर रहा हूँ और मेरी अर्निंग भी हो रही, तो भाई मैं यही करता रहूँगा, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो मैं इसीलिए ये बार बार ये सवाल दोस्तों पूछ रहा हूँ संदीप से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियो के थ्रू किसी को गलत मैसेज जाए और कोई बच्चा पूरा सोशल मीडिया पे आ जाए और अपना पढ़ाई वगैरह छोड़ दे, है ना। मेरा कहने का मतलब यही होता है, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि पढ़ाई सबसे पहले होता है, उसके बाद आप कोई चीज करो, पढ़ाई के साथ साथ आप कोई चीज करो, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, क्योंकि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। जहां तक आपका पढ़ाई नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, तहां से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। अभी तो फिलहाल आप सोशल मीडिया से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपका लाइफ बहुत लंबा है ना, 50-60 साल अभी आपको मिनिमम काटना है। तो 50-60 साल भाई अभी सोशल मीडिया है, क्या पता 2 साल बाद सोशल मीडिया चले ना चले। इसलिए पढ़ाई अगर रहेगा आपके अंदर में, नॉलेज रहेगा, आप एजुकेटेड रहोगे, तो कहीं से ना कहीं से पैसे कमा ही लोगे। इसीलिए गलत इन्फ्लुएंस नहीं होना है, जस्ट आपको एज ए मोटिवेशन में ये वीडियो दिया ताकि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि जब एक 12 साल का बच्चा कमा सकता है आज के डेट पे 2-3 लाख, तो भाई आप क्यों नहीं कमा सकते हो। तो संदीप से बात करके मुझे काफी अच्छा लगा, ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड लोग काफी ज्यादा मोटिवेट होंगे। एंड संदीप आपको थैंक यू, ठीक है, इतना समय देने के लिए, इस वीडियो पर आने के लिए। तो फिर मिलते हैं कभी दोस्तों किसी नेक्स्ट इंटरव्यू पे। आई होप आज का इंटरव्यू आप लोग काफी ज्यादा पसंद आया है। जाके संदीप के तीनों सोशल मीडिया का आप लोग चेकआउट कर लेना, मैं लिंक वगैरह डाल दूंगा। एंड आज का ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चले आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।